अरे यार फिर आउट हो गया। अबे क्या यार, हमेशा अपने मोबाइल पे गेम खेलता रहता था। जनाब हमारे पास कोई और एंटरटेनमेंट नहीं है भाई, हमारी किस्मत तुम्हारी तरह नहीं है भाई। तुम तो कमाल हो, सुबह किसी और लड़की से बात, अगर वो नाराज हो गई तो फिर किसी और लड़की से। भाई हम तो शुरू से लेके आज तक सिंगल ही रहे हैं और लगता है आगे भी सिंगल ही रहेंगे। और तू पहले अपना पेट संभाल, फिर लड़की के बारे में बात करेंगे। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। तू गाड़ी चला, मुझे गेम खेलने दे। अरे पागल है क्या, ब्रेक क्यों लगा इतनी जोर से? वो देख सामने क्या है। क्या आत्मा है या जानवर? गाड़ी पिछले 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 गाड़ी पिछले पिछले। अरे वो मर गया, पिछले पिछले। चार है आगे, उसके पीछे उसके पीछे पीछे पीछे। अरे घुमा घुमा और घुमा, स्टीयरिंग घुमा। अरे चल रहा यार, तेज कर, घुमा घुमा, चल 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 चल। गाड़ी गाड़ी स्टार्ट कर, अरे गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी स्टार्ट कर। उधर 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 गाड़ी से, उधर उधर भाग 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 यहाँ से, चल 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 चल, भाग 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 यहाँ से। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो,
कॉलेज के लड़के इतनी रात को ऐसी सुनसान जगह पर क्या है? काम करो। ऐसी सुनसान जगह पे कॉलेज के लड़के करने क्या आए होंगे? अभी तो दोनों सही सलामत हो तो भी बहुत है सर। हाँ। ये देखिए सर, ये टूटा हुआ फोन मिला है और यहाँ पे खून की कुछ बूंदे हैं सर। अभिजीत, कहीं रोहित और अंकुर को कुछ हुआ तो नहीं? देखिए, ब्लड सैंपल उठाओ। सचिन, इस फोन में आखिरी कॉल किसका आया था, कुछ चेक किया? सर, फोन पूरी तरह से टूट चुका है। सर, हाँ, कर क्या रहे हो तुम? हाँ? काम करो काम। ये रोहित और अंकुर के कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। प्रोफेसर यशवर्धन। यशवर्धन साहब, ये दोनों बच्चे रोहित और अंकुर आप ही के कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं ना? जी। तो आपके कॉलेज के हॉस्टल के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे? क्या बच्चे कभी भी हॉस्टल से बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं है? ये दोनों लड़के कल रात यहां पर थे, कैसे? I'm sorry sir, दरअसल क्या है कि मैं अभी अभी इस पोस्ट पे नियुक्त हूं। मुझसे पहले जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बच्चों को काफी छूट दे रखी थी और जिसका ये नतीजा है। By the way, आपको कैसे पता चला इन बच्चों के बारे में? आपके ही कॉलेज के किसी स्टूडेंट ने फोन किया था रिसेप्शन से, लेकिन उसने हमें अपना नाम नहीं बताया। कहीं कॉलेज के बच्चों का हाथ तो नहीं है इन दोनों के गायब होने में? अभिजीत, एक काम करो,
यहाँ पे अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। और हम यशवर्धन के कॉलेज में जाकर उन स्टूडेंट्स के साथ कुछ बातें करते हैं। सर, ऑफिस में ये रोहित और अंकुर का क्लासरूम कहां पर है? सर, नॉर्थ विंग में सेकंड फ्लोर पे 1041। सचिन, निखिल, तुम लोग रोहित और अंकुर के क्लासरूम में जाकर उनके करीब दोस्तों से मिलो और देखो कौन उन्हें अच्छी तरह से जानता था और लेकर आओ उन्हें। सर, सर अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपने ऑफिस में जाकर बैठूं, क्या है कि स्टूडेंट शायद मेरे सामने बात करने में हिचकिचाए तो। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो हम आपसे फिर मिलेंगे। श्योर सर, थैंक यू। चलिए आइए आप लोग, प्लीज आइए आप लोग, चलिए आइए। देखो बच्चों, रोहित और अंकुर तुम्हारे दोस्त थे, है ना? तो उनके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तुम लोगों से। बात यह है कि कल रात रोहित और अंकुर गायब है, वो वापस नहीं लौटे। तो अगर तुम लोग कुछ जानते हो उनके बारे में, कहां गए होंगे, जो कुछ भी, तो प्लीज हमें बता देना। देखिए, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। रोहित और अंकुर के मोबाइल फोन हमें एक सुनसान कमरे से मिले और वहां से हमें खून की कुछ बूंदें भी मिली। खून? हाँ, खून। तो बताओ, कुछ जानते हो उन दोनों के बारे में? नहीं सर। नहीं, चलो कोई बात नहीं। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? रिशिल सर, रिशिल। रिशिल? यस सर। तुम ऐसे घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कुछ जानते हो रोहित अंकुर के बारे में? सर, अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो मैं फंस तो नहीं जाऊंगा ना सर? अरे, कैसे फंस जाओगे? उल्टा हमारी मदद करना तुम्हारा फर्ज है ना? बताओ, क्या जानते हो? सर, कल जब मैं लाइब्रेरी जा रहा था ना, तब मैंने अंकुर और रोहित को एक लड़की से बात करते हुए देखा था सर। पर अगर तुम्हारा पेपर एग्जामिनेशन पेपर से अलग हुआ तो? ऐसा नहीं होगा, एक एक क्वेश्चन सेम टू सेम होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तो तुम्हारे पैसे वापस। ठीक है, हमें मंजूर है, लाओ क्वेश्चन पेपर दो। एग्जाम का पेपर है, न्यूज़पेपर नहीं। अपने साथ लेकर नहीं घूमती मैं। आज रात को ठीक 10 बजे गेल रोड वाले पुल पर आ जाना, पैसे लेकर। एग्जाम के पेपर लीक करके दे सकती है? काश अंकुर रोहित जैसे सारे जवान ये समझते कि जिंदगी में सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत के सिवा कोई शॉर्टकट नहीं। खैर, ऋषिल, कौन थी ये लड़की जिसके साथ ये दोनों बात कर रहे थे? सर, मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, पर उसका नाम सर उसने छवि बताया था सर। छवि? छवि? यस सर। कौन सी ईयर की स्टूडेंट है वो? थर्ड ईयर सर। सर, उसने बोला था वो थर्ड ईयर में है सर। थर्ड ईयर स्टूडेंट छवि। एक एक कोना छान मारो, एक भी इंच नहीं बचनी चाहिए। सर, इनसे ईंट बजा दूंगी मगर सुराग ढूंढ के रहूंगी। गुड, लग जाओ काम पे।
सर, आपने भी वो आवाज सुनी? हाँ, जैसे कोई दरवाजा ठुक रहा है। सर, वो आवाज फिर से आई सर। सर, ये आवाजें तो बढ़ती जा रही हैं सर। सर, ये आवाजें बहुत खतरनाक है सर। जरूर इस घर में दूसरी दुनिया की कोई शक्ति है। मुंह बंद रखो पंकज, वरना तुझे उसी दुनिया में भेज दूंगा, समझा? एक तो कमर टूट गई और कुछ दिख भी नहीं रहा है। अभिजीत सर, सर ये देखिए। अभिजीत सर, जयवंती मैम। अरे अभिजीत सर, अरे तो यहाँ पे आता पाई हुई है। अरे अभिजीत सर, अरे मकड़ी का जाल, ये बंगला बहुत पुराना है यार। वाह, लाश अभिजीत सर। सर, पंकज की आवाज। अब ये क्या नई मुसीबत में फंस गया। जयवंती तुम इधर ही रुको, आसपास चेक करो, मैं देखता हूँ। जी सर। जयवंती मैम, पंकज, ग्रीस लगा रखी है, जानबूझ के कोई गिराना चाहता है। दीवार के अंदर खुफिया कमरा है। पंकज, 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 काय झालं रे, आवाज निकालनी बंद क्यों की? गला सूख गया क्या तेरा? बाहर आ बेटा, शरबत पिलाती हूं तुझे। दरवाजा कैसे बंद हुआ है?
बेटा तू जो भी है बाहर आ जा, तेरी ऐसी खातिरदारी करूंगी ना कि नानी याद आ जाएगी। सर को फोन कर। अनबिलीवेबल, नेटवर्क नहीं है। आइए एसीपी साहब, इनसे मिलिए। यह है प्रोफेसर राकेश। नमस्ते। रोहित और अंकुर को लाइफ साइंस पढ़ाते हैं। प्रोफेसर राकेश लाइफ साइंस पढ़ाते हैं? जी। तो फिर प्रोफेसर साहब को धक्का लग जाएगा ये खबर सुनकर कि लाइफ साइंस का पेपर लीक हो चुका है और रोहित और अंकुर ये पेपर खरीदने गए थे। क्या हमारा पेपर? ये नामुमकिन है सर, हमारा पेपर लीक नहीं हो सकता। सर एक छवि नाम की लड़की, थर्ड ईयर की स्टूडेंट, वो उन्हें ये पेपर बेचने वाली थी। कौन छवि? हम भी सर यही जानना चाहते हैं। आप अपना रिकॉर्ड चेक करके बताएंगे हमें प्लीज? श्योर। थर्ड ईयर में तो कोई छवि नाम की स्टूडेंट नहीं है। तो हो सकता है ये लड़की फर्स्ट या सेकंड ईयर की स्टूडेंट हो। श्योर। पूरे कॉलेज में छवि नाम की कोई लड़की है ही नहीं। ऋषिल, तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही? नहीं सर, यही नाम था उस लड़की का। निखिल, काम करो, अभिजीत को फोन करो और पता लगाओ क्या रोहित और अंकुर इन दोनों के फोन ठीक हो गए क्या। शायद इस छवि का नंबर हमें उसमें से मिल जाए। अभिजीत का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। अभिजीत का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। काम करो, तुम जयवंती को फोन लगाओ और तुम पंकज को देखो। सर पंकज का फोन भी नहीं लग रहा। सर उनका फोन भी नॉट रीचेबल है। तीनों के फोन नॉट रीचेबल, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों भी उस बंगले में किसी मुसीबत में फंसे हैं? एसीपी साहब ने फोन करके हमें बुला तो लिया, मगर वो है कहाँ? वो तो कहीं दिख नहीं रहे। शायद आने वाले होंगे। ये जगह सर? अबे अभिजीत, पंकज और जयवंती, कुछ पता चला? फोन लगा उनका? नहीं सर, हम लोग भी अभी आए यहाँ पे। माय गॉड। काम करो, तुम लोग इस तरफ देखो, हाँ हम लोग इधर जाते हैं। ओके। अभिजीत, जयवंती, पंकज, जयवंती, एक काम करो निखिल, तू उस तरफ देखो, हम लोग यहां से। अभिजीत सर, अभिजीत, पंकज, 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 माय गॉड।
जयवंती, 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 निकल जल्दी से पानी लेकर आओ। सर पल्स बहुत धीरे चल रही। जयवंती, 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 क्या हो गया इसे? जयवंती, जयवंती, तुम ठीक हो? आ जाओ, गुड कर। सर मैं ठीक हूँ। ठीक है ना? जयवंती, ये सब कैसे हुआ? अभिजीत साहब, अभिजीत साहब, सर इस कमरे में किसी ने जहरीला धुआं छोड़ दिया था। जहरीला धुआं? ये वही आवाज है जिसके पीछे पीछे हम इस कमरे तक आए थे। फिर से आ रही है सर यही आवाज। है किसकी ये आवाज? देखते हैं, फैल जाओ। सर ये टूटा हुआ क्यों है? कोई अंदर या बाहर तो नहीं गया? चलो देखते हैं। निकल! अरे तू डुबती को पंकज, पंकज चलो। अरे यार यहाँ पे किसी ने सिर पे मारा और मैं यहाँ बेहोश हो गया था। पंकज, पंकज अरे तू ठीक हो? सर, सर बेहोश होने से पहले मैंने एक लाश देखी थी। सर यही है लाश? ये गर्दन पे ये गला दबाने का निशान है या फिर किसी चीज से लटकाया गया? सर, सर मैं जानता हूं मैं जो बोलूंगा उसका आप यकीन नहीं करोगे सर, मगर यहाँ पर बेहोश होने से पहले मैंने एक लड़की को देखा था सर, जो जो इसे हवा में गोल गोल घूम रही थी सर। अबे क्या बात कर रहे हैं पंकज, लड़की हवा में? यार पंकज बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, तेरी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता, समझा? सर मैं सच कह रहा हूं सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। कुछ ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना सर? मैंने सुना है जहां पे आत्माएं होती है वहां की जगह ठंडी हो जाती है। तो तुम्हारी आत्माएं एयर कंडीशनर अपने साथ लेके चलती है? चलो जरा मिलते हैं तुम्हारी आत्मा से। सर ये कपाट, ये अलमारी बाजू में करो। Mm-hmm.
पीछे जरूर कुछ ना कुछ तो है। बोलो इसे। आप घबराइए मत। आप लोग सीआईडी से गॉड आप लोग आ गए, वरना मुझे तो लगा था कि मैं नहीं बच पाऊंगा। नहीं होगा, तुम घबराओ मत। अंकुर तुम्हारा दोस्त रोहित वो कहाँ है? पता नहीं। अच्छा ये बता क्या हुआ, पूरी बात बता। सर मैं और रोहित तो एग्जाम के पेपर लेने के लिए गिल रोड जा रहे थे कि अचानक हमारे रास्ते में कोई अजीबोगरीब प्राणी आ गया और वो हमारा पीछा करने लगा। अपनी जान बचाने के लिए हम इस घर में आ गए। मैं तो बच गया सर, पर रोहित और फिर से किसी ने मेरे सर पे कुछ मारा और मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को दीवार में कैद पाया। तो आवाजें तुम निकाल रहे थे मदद के लिए? जी। तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मारी ना। तुम हॉस्टल से भागकर ये एग्जाम्स के पेपर खरीदने आते और ये सब होता तुम्हारे साथ। अब पता चला बुरे काम का नतीजा। I'm sorry sir, मुझे और रोहित को ये गलत काम नहीं करना चाहिए था। सॉरी हमसे नहीं, अपने माता पिता से जाकर सॉरी कहो, अपने गुरुजनों को जाकर सॉरी कहो और कुछ सीखो। इतनी ठंडी, कोल्ड स्टोरेज बना रखा है। मैडम, हेलो, उठिए। सर ये तो वही लड़की है जो हवा में घूम रही थी। मतलब आत्मा। रेडी, तो मर चुकी है। और ये बॉडी में कुछ केमिकल लगा रखा है ताकि लाश खराब ना हो। पता नहीं ये लाश कब से यहां पड़ी है और इस लड़की की मौत कब हुई होगी, लेकिन ये लड़की है कौन? एसीपी साहब एसीपी साहब, ये कमाल है, ये फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। ये एसीपी साहब हमें यहाँ बुलाकर खुद कहाँ चले गए? सर ये जगह तो बहुत डरावनी सी लग रही है सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकुर और रोहित को ढूंढते-ढूंढते सीआईडी ऑफिसर्स खुद कहीं मुश्किल में फंस गए हो? खुद मुसीबत में फंस गए मतलब? अरे वो सीआईडी ऑफिसर है, बच्चे थोड़ी ना है। सर आप तो बहुत घबराए से लग रहे हैं सर। व्हाट डू यू मीन घबराए? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो तो मैं बस रोहित और अंकुर की वजह से थोड़ा परेशान हूँ, बाकी कुछ नहीं। चलो चलो अंदर देखते हैं। हाँ देखते हैं देखते। एसीपी साहब। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रोफेसर राकेश थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं? शायद। चलो ढूंढते हैं। एसीपी सर एक काम करो, कुछ लोग यहां देखो कुछ लोग वहां देखो। मैं ऊपर जाके देखता हूं। मैं पीछे देखता हूं।
वानिया, वानिया। पापा, पापा। वानिया, वानिया बेटा, वानिया। सर आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? ऋषिल, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता। तू मेरे पिता? रामलाल को मरवाने के बाद में तुम ही एक हो जो मेरे सारे राज के बारे में जानते हो, मेरे सारे प्लान के बारे में जानते हो। तू बता मेरी बेटी कहाँ है? सर रामलाल को मैंने आपके कहने से मारा, बल्कि मैं तो आपके सारे गुनाहों में आपके साथ था। और रही बात रोहित की, तो रोहित का मैं बदला लेना चाहता था, मैं उससे बदला लेना चाहता था, क्योंकि आज उसकी वजह से मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है सर। झूठ बोल रहे हो तुम? नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम? झूठ बोल रहे हो तुम? झूठ बोल रहे हो तुम? नो सर। तुम मेरे सारे राज के बारे में जानते हो और इसलिए इसलिए तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? कहाँ है मेरी बेटी? बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। सर गोली मत चलाइएगा सर, सर प्लीज सर, सर मेरा यकीन मारिए सर, मुझे नहीं पता सर आपकी बेटी कहाँ पे है सर। कौन है? कौन कर रहा है ये सब? कौन कर रहा है ये सब? कौन कर रहा है? अब तो आपको यकीन हो गया सर, इसके पीछे किसी और का हाथ है सर, मेरा हाथ नहीं सर। कौन है? सर मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए सर, मुझे बचा लीजिए सर, कोई गलती नहीं सर। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सर, मुझे बचा लीजिए सर, सर बचा लीजिए। कौन हो तुम सर? कोई गलती नहीं सर, मुझे सर प्लीज सर। कौन हो तुम? चलो चलो, तुम्हारा क्या बिगाड़, छोड़ दो मुझे। ऋषिल, पापा, पापा, पापा कहाँ हो आप? पापा, पापा मैं यहाँ हूँ। पापा, पापा, आगे बता रहा, मैं गोली चला दूंगा, आगे बता रहा। जैसे भटके हुए प्रोफेसर्स को शराफत हम सिखाते हैं। प्रोफेसर यशवर्धन, CID वालों का भी एक आविष्कार देख लीजिए। पापा, पापा, पापा कहाँ हो आप? पापा, पापा मैं यहाँ हूँ। पापा, पापा। और ये पापा पापा की आवाज, वो इस टेप रिकॉर्डर से आ रही है। क्या लगा था तुम्हें? होलोग्राम दिखा के डराना सिर्फ तुम्हें ही आता है, हैं? बहुत हो गया ये ड्रामा, अब बताओ क्यों कर रहे थे ये सब? मेरी बेटी वानिया रोहित से बहुत प्यार करती थी, लेकिन रोहित ने उससे कभी प्यार नहीं किया। इसी गम में उसने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। और उसकी मौत का बदला लेने के लिए तुमने रोहित को मार डाला। हाँ, मार डाला।
बहतर बहतर पाकर डरा डरा कर मार डाला मैंने उसे। और छवि को कॉलेज भेज के राहुल और अंकुर को बुला लिया गिल रोड पे एग्जामिनेशन पेपर देने के बहाने। और फिर ठीक इसी घर के सामने उस जानवर के फेस में आकर तुमने रोहित और अंकुर को डरा कर फंसा लिया। हाँ डराया, बहुत डराया। और रोहित को, रोहित को मारा, मारा रोहित को। मेरी बेटी मुझे वापस दे, प्लीज मुझे मेरी बेटी दे दो, प्लीज मुझे मेरी बेटी दे दो। कौन सी दुनिया में जी रहे हो यशवर्धन जी? बेटी की लाश संभाल के रखने से वो दोबारा जिंदा नहीं होगी। प्रोफेसर यशवर्धन, प्रोफेसर का मतलब जानते हो? प्रोफेसर का काम होता है बच्चों को पढ़ाना। मगर तुमने, तुमने तो बदले का रास्ता अपनाया। तुम्हारी वजह से दो दो मासूम लोगों की जानें चली गई। क्या अपनी बेटी को वापस ला पाए? नहीं, अब जेल में सड़ते बैठना, फांसी तो होगी तुम्हें।